नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राघव बिशन। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम क्रिप्टो फंड को बाइनेंस एप्लीकेशन के जरिए कैसे सेल आउट करना है और अपने बैंक अकाउंट में लाना है सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक नहीं देखते हैं तो शायद आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और दोस्तों, अगर आप मेरे साथ मिलकर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो दोस्तों पूरे प्लान की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर चेकआउट करें। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बाइनेंस अकाउंट में क्रिप्टो फंड बाय सेल करने के लिए सबसे पहले आपका KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है तो आप मेरी इस वीडियो को देखकर KYC वेरिफिकेशन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने। फ्रेंड्स, आप प्रोफाइल में जाकर वेरीफाई अकाउंट जरूर चेकआउट कर लें और सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाकर आपका ईमेल एंड फोन नंबर जरूर ऐड कर लें, क्योंकि ईमेल और फोन नंबर पर ही आपका OTP आता है, जिसको दर्ज करने के बाद ही आपका क्रिप्टो फंड रिलीज किया जाता है। अब दोस्तों, अब हमें क्रिप्टो फंड USDT को अपने ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस अकाउंट में लाना होगा, जिसके लिए हमें नीचे दिए गए बाइनेंस वॉलेट के बटन को प्रेस करना है। देन स्पोर्ट पे जाएं और डिपॉजिट बटन पर प्रेस करें। दोस्तों, हमें USDT फंड को अपने बाइनेंस वॉलेट में लाना है, इसीलिए ऊपर दिए हुए सर्च बार में आप USDT टाइप करें। उसके बाद आप सर्च करके USDT को सेलेक्ट करने के बाद आपको बाइनेंस BNB स्मार्ट चेन को सेलेक्ट करना होगा BEP20 टोकन वाले ऑप्शन पर। दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर आपका वॉलेट एड्रेस निकल के आ जाता है। इसको सिंपल सा हमें कॉपी कर लेना है और सेंड बटन को प्रेस करके एड्रेस को पेस्ट कर देना है। और अमाउंट में आप जितना भी USDT भेजना चाहते हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अमाउंट दर्ज कर लीजिए, यहाँ पर मैं 149 USDT भेजना चाहता हूँ। दर्ज करके कंटिन्यू वाले बटन पर आप प्रेस कर दीजिए। देन आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आएगा और आपका जो फंड रहेगा वो आपके बाइनेंस अकाउंट में आ जाएगा। बाइनेंस वॉलेट में फंड आ जाने के बाद आपको ट्रांसफ़र बटन पर प्रेस करना है। उसके बाद जहाँ पर BTC लिखा है उसको प्रेस कीजिए। USDT को सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर ऊपर की ओर स्पॉट वॉलेट और नीचे की ओर फंडिंग वॉलेट करके आपको मैक्स बटन पर प्रेस करना होगा। जैसे ही आप प्रेस करेंगे उसके बाद कंटिन्यू ट्रांसफ़र बटन पर प्रेस कर दीजिए। अब दोस्तों, आपका फंड P2P ट्रेडिंग यानी कि सेल होने के लिए तैयार हो चुका है। आपको होम पेज पर आ जाना है और P2P ट्रेडिंग वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। दोस्तों, हमें USDT सेल करना है, इसीलिए आपको ऊपर देखिए बाय एंड सेल USDT का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर हमें सेल पर टच कर देना है। उसके बाद आप फिल्टर के ऑप्शन में जाकर आप कितने का USDT सेल करना चाहते हैं यहां पर अपना अमाउंट दर्ज कर लीजिए। और यहां पर आप देख पा रहे हैं पेमेंट मेथड को सेलेक्ट कर लीजिए कि आप फ़ोन पे में अपना फंड चाहते हैं, गूगल पे में चाहते हैं या फिर पेटीएम में चाहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ नीचे की ओर मर्चेंट का बटन होता है, उसको आप ऑफ करके कंफर्म कर दीजिए। अब दोस्तों, ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जिस भी ट्रेडर के साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिस भी ट्रेडर को आप फंड बेच रहे हैं, उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम और कंपटीशन वैल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। जिस भी ट्रेडर का जो ट्रांजेक्शन वैल्यू ज़्यादा है, ट्रेडिंग वैल्यू ज़्यादा है, उसी के साथ आप फंड सेल करें। चलिए फ्रेंड्स, हम मनीष मामारडे वाले अकाउंट को प्रेस करते हैं, क्योंकि इनका ट्रांजेक्शन रेशियो और ट्रेडिंग वैल्यूम ज़्यादा है। सेल पर टच करेंगे, उसके बाद हमें बाय क्रिप्टो में ऑल बटन पर प्रेस करना है और अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। आप ऐड भी कर सकते हैं, ऐड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब सेल विथ जीरो फी पर टच कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको बायर के साथ चैटिंग करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप हाय हेलो कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि प्लीज़ सर, आप फंड रिलीज़ कीजिए, पेमेंट फास्ट कीजिए। दोस्तों, याद रहे, जब तक सामने वाला जो बायर है आपको फ़ंड नहीं देता, यानी कि पैसे नहीं भेजता आपके बैंक अकाउंट में, तब तक आपको फ़ंड को रिलीज़ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बायर का रिप्लाई आ चुका है। उसके 5 से 10 मिनट के बाद आपके अकाउंट में फ़ंड आ जाएगा, यानी कि पैसे आ जाएंगे। पैसे आ जाने के बाद ही आप अपना क्रिप्टो जो फंड होता है उसको रिलीज़ कीजिएगा। चलिए हम चेकआउट कर लेते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आए या नहीं आए।
दोस्तों यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट का मैसेज आ चुका है कि क्रेडिट हो चुके हैं हमारे बैंक अकाउंट में 13,431 रुपए, आप देख सकते हैं। दोस्तों अब हमें बाइनेंस पर जाना है। बाइनेंस में जाते ही फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार बैक बटन प्रेस कीजिए। बैक बटन प्रेस करते ही फ्रेंड्स यहाँ पर रिसीव पेमेंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको आई हैव करेक्ट अमाउंट पर टच कर देना है। सेकेंड ऑप्शन जो होता है उसको सेलेक्ट करके कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करते ही फ्रेंड्स आपके सामने आपके ईमेल के लिए ओटीपी आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट कोड पर टच कीजिए। गेट कोड पर टच करते ही आपका ईमेल पर एक मैसेज आएगा, जहाँ पर ओटीपी होगा वहाँ को आप चेकआउट कीजिए। चेकआउट करने के बाद उस ओटीपी को यहाँ पर भरकर सबमिट कर दीजिए। आपका क्रिप्टो फंड रिलीज हो जाएगा और सफलतापूर्वक आपका क्रिप्टो फंड USDT सेल हो जाएगा। यहाँ पर आप ट्रेडर को पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पांस जरूर दे सकते हैं। आई होप दोस्तों अब आप बाइनेंस एप्लीकेशन की मदद से क्रिप्टो फंड को सेल आउट करके अपने बैंक खाते में पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप मेरे साथ मिलकर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, मिलकर पैसा कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप मुझे कॉन्टेक्ट जरूर करें। मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगी, जरूर चेकआउट करें। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।